आज हम बना रहे हैं पोहा। पोहा सब जगह अलग अलग तरीके से बनता है। आज हम ये पटाटा पोहा बना रहे हैं। इसको बनाने के लिए इजी रेसिपी से मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत जल्दी बन जाता है। ये हमने पोहा ले लिया, 4 बाउल जितना पोहा ले लिया करीब, नहीं तो ये 250 से 300 ग्राम है। इसको हम वॉश कर लेंगे इस तरीके से। पहले हम वॉश करते हुए ये देखिए, इस तरीके से हम वॉश कर लेंगे इसको। इस तरह से वॉश करते हुए बहुत सॉफ्ट और बहुत इजी। ये देखिए मैंने धो के इसको साइड पे अब हम रख देंगे और आगे की तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 कच्चे आलू डाइस करके रख लिए। इसको हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, गैस ऑन करेंगे, इसको गर्म करते हैं ऑयल को, और इसको पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से करते हुए इसको हम फ्राई कर लेंगे कम ऑयल। ये देखिए थोड़ा सा तेज करेंगे इसको, इसको इस तरीके से करते हुए हम फ्राई कर लेंगे। पोहा देखिए खिल के बिल्कुल तैयार हो गया। उधर हमारे आलू फ्राई होने वाले हैं, 10 मिनट में काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे इस तरीके से करते हुए। अंदर सबसे पहले चीनी डालेंगे। ये देखिए एक टेबल स्पून चीनी का एक अपना अलग ही टेस्ट आता है। नमक टेस्ट के अनुसार मैं 1 टेबल स्पून डाली है मैंने, थोड़ी सी और डाल रही हूँ मैं। आप टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक, अलग पहले ही डाल लेंगे ये सब, आपको उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, ये सब पहले ही हम डाल लेंगे। हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, रेड चिल्ली पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने खाना है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। 3/4 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, इसका एक अपना ही अलग टेस्ट आएगा। और इसको हल्के हाथों से हम मैश कर लेंगे। आलू हमारे हो गए हैं, इस तरीके से हम करते हुए इसको मैश कर लेंगे। आलू हमारे तल के रेडी हो गए हैं। अब हम मूंगफली फ्राई करने के लिए डाल रहे हैं। बिल्कुल सिम गैस के ऊपर मूंगफली फ्राई करेंगे। अगर आप संभाल सकते हैं तो गैस को थोड़ा सा तेज करिएगा, नहीं तो आप सिम के ऊपर ही करिएगा, कि मूंगफली ज़्यादा ना काली हो जाए, फिर वो अच्छी नहीं लगती है। ये देखिए लीजिए मूंगफली भी हो गई है, सिम गैस पे ही करिए, क्योंकि तेज गैस पे होता है फिर टेस्ट चेंज हो जाता है, फिर अच्छी नहीं लगती है। 10 से 15 मिनट में आपका पोहा बनके रेडी हो जाता है। बहुत जल्दी जल्दी बनता है इस रेसिपी से। मसाले सारे हमने पोहे के अंदर ही डाल लिए हैं। तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। राई डाल के देखेंगे, मोटी वाली सरसों जिसको बोलते हैं हम, वो डालते हैं इसके अंदर। ये देखिए करके इसको क्रैकल होने तक वेट करेंगे, 1 मिनट लगेगा। थोड़े से करी पत्ते की वो डाल दी है। अब इसके अंदर एक प्याज जो मैंने फाइनली चॉप करके रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया। ये देखिए एक ही प्याज डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी सब्जियां डाल सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। मैं ज़्यादा सब्जियां नहीं डाल रही हूँ। फिर मैं इसमें आज कॉर्न डालूंगी और प्याज और आलू, मैं सिर्फ इसके साथ और मूंगफली के साथ बना रही हूँ। आप चाहे तो इसके अंदर शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट पर बीन्स भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जियाँ आप डाल सकते हैं। और चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर डालेंगे तो आप बीन्स हटा दीजिएगा टमाटर का। ये देखिए बहुत जल्दी से बन जाता है, बस इसको 2 मिनट सोते करेंगे। देखिए प्याज को बस इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब इसमें हम कॉर्न डाल देते हैं। ये देखिए बस इसको बस मिक्स ही करेंगे। अब हम इसके अंदर पोहा डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ साथ इसमें जो हमने फ्राई करके आलू और मूंगफली डाली हुई है, मूंगफली, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
देखिए मिक्स हो गया। इसको सिर्फ एक से दो मिनट ही हिलाने में बस लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं। पोहा हमारा तैयार रेडी है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा एक आधा या एक नींबू, जितना अपना टेस्ट के अनुसार खट्टा जितना आप चाहते हैं, थोड़ा सा आप नींबू डाल लीजिए इसके अंदर। मैंने आधा नींबू डाला इसके अंदर, जो मैंने उसका रस निकाल के रखा हुआ था। अब बस इसके अंदर अब हम धनिया से इसको गार्निश कर लेंगे। पोहा हमारा रेडी है, ये देखिए टेस्टी लग रहा है काफ़ी। ये देखिए अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस हम बंद कर देते हैं। पोहा हमारा रेडी, देखिए कितनी जल्दी बन गया, खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप इस रेसिपी से एक बार बना के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कैसा लगा, और मेरा पेज को लाइक करना मत भूलिएगा, और बताइएगा नेक्स्ट आपको कौन सी रेसिपी बना के मैं दिखाऊं। ये देखिए, आई होप आपको मेरी वीडियो और डिश दोनों पसंद आई होंगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।